नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम इंडिया और चाइना के बढ़ते तनाव के बीच भारत द्वारा जल्द ही इसराइल से दो फाल्कन अवॉक्स को खरीदने के समझौते को अंतिम रूप देने वाली खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत जल्द ही इसराइल से दो फाल्कन अवॉक्स को खरीदने की मंजूरी को अंतिम रूप दे सकता है, जिसे IL-76 पर लगाया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान भारत के लिए लगातार खतरा बनते ही चले जा रहे हैं और इनसे निपटने के लिए हम पूरी तरह से मुस्तैद भी हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही भारत में राफेल की एंट्री हुई थी, जिससे चीन और पाकिस्तान के होश भी उड़ गए थे। और अब इसके बाद भारत जल्द ही दो आसमानी आँखों को भी खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिनकी मदद से भारत के खिलाफ दो फ्रंट वार खोलने की तैयारी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय इसे लेकर जल्द ही इसराइल के साथ समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुट चुका है। और इस समझौते की बात करें तो इसके तहत इसराइल भारत को दो फाल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवॉक्स की सप्लाई देगा। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि इससे पहले भी इस डील की कीमतों को लेकर भारत और इसराइल के बीच कई बार की वार्ता हो चुकी है। हालांकि दो तरफा खतरे को देखते हुए इस समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की तैयारी के लिए भारत पर दबाव बढ़ता हुआ चला जा रहा है और भारत अब जल्द ही इसराइल के साथ इस डील को फाइनल कर सकता है, ऐसा सूत्रों से पता चला है। दरअसल दोस्तों, वर्तमान समय में देश पर दो तरफा खतरा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिस वजह से भारत इस समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना चाहता है। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि इसराइल की इस फाल्कन अवॉक्स को रूस के इल्यूशन 76 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर सेट करने का प्लान है। और यहां पर यह भी जानना आवश्यक है कि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 3 फाल्कन अवॉक्स हैं, जिसे वो ऑपरेट करती है। और भारतीय वायुसेना में इनकी एंट्री 2009 से लेकर 2011 के बीच हुई थी और इसके लिए $1.1 अरब का समझौता हुआ था। वहीं दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार अब इसराइल के साथ जिन दो अन्य फाल्कन अवॉक्स एयरक्राफ्ट को लेकर जल्द डील होने की संभावना है, इनकी आपूर्ति अगले 3 से 4 वर्षों के अंदर होने का अनुमान है। वहीं दोस्तों, अगर सूत्रों के माने तो इस बार जिन दो अन्य अवॉक्स को इसराइल से खरीदा जाएगा, वो पहले के 3 फाल्कन की तुलना में अधिक ज़्यादा शक्तिशाली होंगे, जिनसे लंबी दूरी तक कई प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर पैनी नज़र रखने में मदद मिलेगी। दोस्तों, यहां पर यह भी जानना आवश्यक है कि भारत और इसराइल के बीच पहले भी इस डील को लेकर बातचीत हो चुकी है और यह समझौता करीब $1 अरब का है, जो किन्हीं कारणों से अब तक लंबित रहा है। हालांकि चीन के साथ हालिया तनातनी और पाकिस्तान के साथ खराब होते हुए रिश्तों को देखते हुए भारत में दो अन्य अवॉक्स की खरीद की जरूरत समझी जा रही है, जिसे देखते हुए रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी जल्द ही इस डील को मंजूरी दे सकती है, जिस पर विस्तृत चर्चा पहले भी हो चुकी है। बाकी दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपके पास कोई सुझाव या सजेशन है, या आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।